खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों वालों किसानों को झोने की सीधी बिजाई संबंधी जानकारी देने के मकसद नाल पिंड पांसटा विखे सैमीनार का आयोजन किया गया। इस मौके संबोधन करदे खेतीबाड़ी अफसर परमजीत सिंह ने कहा कि सूबे विच जमीन हेठले पानी का पद्धर बहुत तेजी नाल डिग रहा है और जेकर समा रहिंदे जरूरी कदम ना चुके गए तो पंजाब रेगिस्तान बन के रह जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को पीने लई पानी भी मुहैया नहीं होगा, इसलिए कद्दू करन दी बजाए झोने की सीधी बिजाई की जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब की भगवंत मान की सरकार झोने की सीधी बिजाई करन वाले किसानों 1500 रुपए प्रति एकड़ विधि सहायता दे रही है। उन्होंने किसानों को अपील की कि पंजाब सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाउन ते झोने की सीधी बिजाई करन। ब्लाक पवाड़ा के पिंड पांसटा के झोने की सीधी बिजाई के तहत कैंप लाने वास्ते पहुंचे हैं। झोने की सीधी बिजाई का मेन मंतव जो सरकार का है अजोके टाइम के पानी है तो जीवन है, पानी को बचाने वास्ते ही ये सारे उपराले पंजाब सरकार वालों किए जा रहे हैं, जिस तहत असी कैंप लगाया से किसानों को जागरूक करने वास्ते। इस विच साडे नाल आम आदमी दे पार्टी दे पवाड़ा ब्रांच के डॉक्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह परमार जी भी आए हैं, प्रहार जी भी आए हुए हैं, असं उन्हों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मेन असी अज किसानों जोड़ा है दसिया है कि जे झोने की सीधी बिजाई कर रहे हैं तो वो सू 15-20% पानी की जड़ा है बचत हो जाती है। तो कला पानी की बचत नहीं होंगी सगों ये जी आने वाली फसल है जिमें कि असी इस तो बाद झोने की फसल तो बाद कणक लाने कणक की भी यदा गल का फायदा मिलता है। और दूसरा साढ़े जी है वाटर लैवल के रीचार्जिंग के बहुत अहम रोल है साड़ी जी सीधी बिजाई का। जेकर असी आम जी रवायती ढंग के जिदा कद्दू करके झोना लाते हैं तो वो यह है कि साड़ी जमीन के तह कद्दू करने के नाल बनी जा रही है, जिदे होंगे कि थले तह बन पानी रीचार्ज नहीं होंगे समा कि वह खेतों में बहा होकर गलिया नालियों के हों हो रीचार्ज नहीं होंगे समा कि वह एक हवोक क्रिएट करता है। तो ये तहत असी किसानों ये भी दस्या है कि तुम कि जी है किस्म लगानी हैगी है की जी है नदीन नाशक करने हैं किड़े समय पर करने है ता कि जी है ये फेलीयर होने के चांसिज है वो मिनीम हो जाए। तो जे किसर किसी किसान कोई इस वास्ते कोई तकनीकी जानकारी जा मशीन की मंग हैगी है तो साढ़े नाल संपर्क कर सकता है। सैमीनार दौरान आम आदमी पार्टी के जिला कपूरथला के सहसकत्र डॉक्टर जतेंद्र सिंह परहार भी विशेष तौर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब तरक्की की राह पर पाने पुरानिया रवायतों छड़ के नवीं तकनीक अपनाने जोर दे रहे हैं जो कि पंजाब के हित में हैं। आज फवाड़ा ब्लॉक के पिंड पांसटा विखे अवेयरनैस कैंप झोने की सीधी बिजाई पंजाब गौरमेंट वालों की पानी को बचाने पानी वो लवाए गए हैं और पिंडां दे विच भी लगने हैं जिदे में डॉक्टर साहब परमजीत उन्होंने आके किसानों नू सीधी बिजाई लई प्रेरिया उहदे नाल कि साडा जिहड़ा पानी आ खराब वेस्ट हो रहा है। एक तय मान जांदी आ कोई कद्दू करन तों बाद कि पानी मुड़ के रीचार्ज नहीं करदा कि सीधी बिजाई की जाए उहदे नाल साडा 20 तों जिदा दस्सिया डॉक्टर साहब ने 20% तकरीबन पानी साडा सेव हुंदा उस तों बाद ते जिहड़ियां उहदी बिजाई दे विच जिहड़ियां गौरमेंट वालों तुहानू ऐड जां कुछ देना वह भी दसे गया कि इन्नी आमदन जिहड़ी गौरमेंट वालों तुहानू पेमेंट दिती जाऊगी उस बारे सारे उन्होंने सिखलाई दिती गई आ कि किसानों वालों उहदे लई हामी भी भरी गई आ। ये नहीं कि नहीं कि असीं नहीं कहने वह कहिंदे असीं करन नूं तैयार हाँ पर सानू गौरमेंट हैल्प देवे उहदे लई असीं अपने पार्टी वालों गौरमेंट जिहड़ी आम आदमी दी बनी हुई आ असीं गौरमेंट श्री भगवंत सिंह मान वालों जिहड़ा इह उपराला कीता गया आ बहुत वधिया उपराला है कि टीम वालों एग्रीकल्चर टीम वालों हर पिंड पिंड जा के किसानों नू जिहड़ा अवेयर किया जाऊगा कि सीधी बिजाई की जाए इन्हां लफ्ज़ां ने कहिंदा होया ते जिहड़ियां मुश्किलां भी दसियां किसानों नू असीं अपनी गौरमेंट ते पहुंचावांगे ते उन्हां दे मसले दा हल भी किया जाऊगा इन्हां कहिंदा होया। धन्नवाद जी।